अगली खबर का रुख कर लेते हैं इस वक्त की। अगली बड़ी खबर राजधानी भोपाल से हमें मिल रही है। मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र अध्यादेश 2020 कल लाया जाएगा। नए साल से पहले प्रदेश में लागू हो जाएगा लव जिहाद विरोधी कानून। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अध्यादेश लाने के निर्देश दिए हैं। विधानसभा सत्र स्थगित होने से अध्यादेश लाया जाएगा। कल कैबिनेट बैठक में अध्यादेश पर मुहर लगेगी। राज्यपाल को अध्यादेश भेजा जाएगा। धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 को पहले मंजूरी दे चुकी है कैबिनेट। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र अध्यादेश 2020 कल लाया जाएगा। नए साल से पहले मध्य प्रदेश में लव जिहाद विरोधी कानून लागू हो जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अध्यादेश लाने के निर्देश दिए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभु जी, नए साल से पहले प्रदेश में लव जिहाद विरोधी कानून लागू हो जाएगा, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ये ऐलान किया है कि कल जो कैबिनेट की बैठक संभावित है, कल कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश लाया जाएगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले शुक्रवार को ही कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र विधेयक को मंजूरी दी थी और इसको विधानसभा में पेश किया जाना था। विधानसभा का सत्र क्योंकि स्थगित हो चुका है मध्य प्रदेश का, तो अब सरकार इस कानून को अध्यादेश के जरिए लागू करना चाहती है। और धर्म परिवर्तन जो प्रलोभन से धर्म परिवर्तन है या फिर शादी के नाम पर झूठ बोलकर धर्म परिवर्तन करना है, इस तरीके के जो भी धर्म परिवर्तन संबंधी जो खामियां हैं, कुरीतियां, उनको दूर करने के लिए इसमें अध्यादेश में कड़े प्रावधान किए गए हैं। इसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, 50,000 से 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना इसमें लगाया जाना है और धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को धर्म परिवर्तन से 2 महीने पहले कलेक्टर को आवेदन देना होगा, उसको सूचित करना होगा। उसके परिवार, यदि कोई महिला धर्म परिवर्तन करती है, लड़की धर्म परिवर्तन करती है, तो उसके माँ बाप भाई बहन की सहमति उसमें आवश्यक होगी। इस तरीके के कड़े कानूनी प्रावधान इस विधेयक में अध्यादेश में किए जा रहे हैं और कल कैबिनेट में इसकी मुहर लगने के बाद इसको, चूंकि राज्यपाल अभी मध्य प्रदेश में ही आनंदीबेन पटेल जी, तो राज्यपाल को प्रस्तुत कर दिया जाएगा और राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के साथ ये कानून बन जाएगा। और जिस तरीके से इस कानून का नाम ही मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्र अध्यादेश 2020 रखा गया है, तो स्वाभाविक तौर पर मुख्यमंत्री चाहते हैं कि इस साल को खत्म होने के पहले इस अध्यादेश को लागू कर दिया जाए और नए साल से ये कानून मध्य प्रदेश में प्रभावी हो जाएगा। जी जी, शुक्रिया प्रभु जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल जो है, नए साल से पहले मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्र अध्यादेश 2020 कल लाया जाएगा। नए साल से पहले ये कानून जो है प्रदेश में लागू हो जाएगा। लव जिहाद विरोधी कानून नए साल से पहले प्रदेश में लागू हो जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अध्यादेश लाने के निर्देश दे दिए हैं। विधानसभा सत्र स्थगित होने से अध्यादेश लाया जाएगा।